प्रदेश में सूत्रों के हवाले एक बहुत बड़े बदलाव की खबर आ रही है। यह बदलाव किसी व्यापार में नहीं बल्कि सीएम पद का है। सूत्रों की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में सीएम शिवराज दे सकते हैं अपने पद से इस्तीफा। अभी यह बात बता पाना मुश्किल है कि यह खबर कितनी पुख्ता है, लेकिन अगर शिवराज सिंह अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में कोरोना के इलाज के अभाव के चलते हैशटैग मामा जवाब दो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता ने कथित मामा सीएम शिवराज सिंह चौहान से सरकार की नाकामी को लेकर जवाब मांगा था। कोरोना महामारी के चलते कई लोगों की जान गई है और कई परिवार बेसहारा भी हुए हैं, तो लोगों का सरकार के खिलाफ आक्रोश तो जायज है, लेकिन इस समय क्या राजनीतिक पद की हेराफेरी सही होगी? जहां महामारी के कारण सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, क्या वहां सीएम बदलने का निर्णय सही होगा? अगर यह खबर सही होती है और वाकई शिवराज सिंह चौहान अपने पद से इस्तीफा देते हैं, तो क्या यह समझा जाए कि शिवराज के राज का अब अंत हो गया है? क्या शिवराज अब इस काबिल नहीं कि वह जनता को संभाल पाए, या यह महज एक राजनीतिक स्टंट है? खैर, यह बता पाना अभी मुश्किल है कि नए सीएम के पद पे किसकी नियुक्ति होगी। सूत्रों की माने तो वर्तमान होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा या फिर कैलाश विजयवर्गीय बन सकते हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री।